वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चे जो कि पैदाइश से 6 माह की उम्र जिनकी होती है और ज्यादा से ज्यादा ये उम्र जो है वो 2 साल होती है। इस उम्र के बच्चों के लिए नींद जो है वो कितनी जरूरी है, इसके हवाले से आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। और इसके अलावा इन बच्चों के लिए नींद जो है वो कितने घंटों की होनी चाहिए, यानी कितने घंटों तक सोना चाहिए या फिर सोने देना चाहिए बच्चे को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कि बच्चों के लिए नींद जो है वो कितनी जरूरी है। पैदाइश से लेकर 6 माह की उम्र में बच्चे के लिए सोना जो है वो कितना जरूरी है। बच्चे को जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये नींद जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोना और ज्यादा नींद की जो है वो जरूरत होती है, यानी बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के लिए। और इसके अलावा बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद जाहिर बात है कि बाहर की दुनिया से बच्चे जो है वो ना आशना होते हैं, यानी बिल्कुल भी इस चीज से वाकफ नहीं होते हैं। तो इस वक्त तक इनको जो है वो दिन और रात का फर्क जो है वो महसूस नहीं होता है। तो ये सारी बातें पैदाइश से 6 मंथ का जो टाइम होता है बच्चों को दिन और रात का फर्क पता ही नहीं होता, इसलिए वो रात भर भी जागते रहते हैं। और इस तरह इनके रात भर जागने की वजह से इनके वालिदैन की नींद भी बहुत ज्यादा मुतासर होती है। जो आई थिंक न्यू पेरेंट्स जो वालिदैन होते हैं इस बात को बखूबी जानते भी होंगे और अग्री भी करते होंगे। और ये फैक्ट है, आप अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं उनसे ये कहते सुनते हैं कि बच्चा जो है वो रात भर जागता है, जिसकी वजह से इनकी नींद जो है वो खराब होती है। नेक्स्ट ये है कि बच्चे का सोना इसलिए भी जरूरी है, रात को स्पेशली बच्चे को जब सो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो पुरसकून होना चाहिए। इनफैक्ट अगर दिन में भी सो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो पुरसकून होना चाहिए, ताकि उसकी नींद जो है वो खराब ना हो, मुतासर ना हो। इसके अलावा बाल दफा ये भी एक बात देखी गई है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को दिन में जगाए रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी इसके पीछे फैक्ट ये हो सकता है कि उनको लगता हो कि बच्चे को अगर दिन में जगाए रखते हैं तो ये रात को जब वो पुरसकून नींद सोएगा या बेहतर तरीके से नींद मिलेगी, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो प्लीज अगर बच्चा आपका दिन में भी सोता है तो आप सोने दें, क्योंकि ये इसके दिन रात के फर्क का उस बच्चे को नहीं पता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए कि बच्चे को अपने तौर पर खुद ही उसको जगा के रखें, तो ऐसा कभी ना करें। इसके अलावा जब बच्चा सो रहा हो तो नींद के दौरान बच्चा जो है वो पेट की बजाय उसकी पुश्त के बल जो है वो लेटाना चाहिए। आपका बच्चा जो है वो इस पोजीशन में लेटा होना चाहिए। इसके अलावा आपके बच्चे को कितने घंटे की नींद जो है वो चाहिए होती है, वो इसकी उम्र के हिसाब से है। अब बच्चे की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0 से 3 माह यानी पैदाइश से लेकर 3 माह की उम्र के बच्चे को जो नींद के घंटे चाहिए सोने के लिए, वो है 15 से 18 घंटे तक बच्चा जो है वो सोता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे को, यानी इतने घंटे सोने की जो है वो जरूरत होती है। तो ऐसे पेरेंट्स जो कि न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको सारी बातें मे बी जिनको पता नहीं होता है कि बच्चा ज्यादा वक्त के लिए सोता है, इसके पीछे यानी एक नेचुरल अमल है कि बच्चे को नींद चाहिए होती है, तो ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है वो ज्यादा वक्त के लिए सोता रहता है। तो नेक्स्ट जो उम्र है वो 3 से 6 माह है, जिसके लिए 15 घंटे की नींद जो है वो बच्चे को चाहिए होती है। नेक्स्ट 6 से 9 माह की उम्र के बच्चों के लिए 14 घंटे की नींद जो है वो जरूरी होती है। फिर 12 से 18 माह की उम्र के बच्चों के लिए जो नींद का दौरानिया होता है वो है 10 से 12 घंटे। इसके अलावा 18 से 24 माह की उम्र के बच्चों के लिए, जो कि ऑलमोस्ट बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र का होता है, इसमें बच्चे को 10 से 12 घंटे की नींद जो है वो चाहिए होती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।